कभी कभी ऐसा होगा था कि पढ़ते पढ़ते रॉय भी आ जाता था और अपने आप को इस तरह समझा के और पढ़ाई कर देते। बस हम यही चाहते थे कि भगवान मेरा लाज बचाए, जिस उम्मीद से हम यहाँ पे आए हुए हैं बस मेरा उम्मीद खड़ा उतरे। हम नहीं, हमारा रिजल्ट जवाब देगा। इसी नारों के साथ जो है, इसी स्लोगन के साथ जो है, कई सफलता की सीढ़ी जो महिलाएं चढ़ चुकी थी, चाहे वो छात्र छात्राएं हों, सीटेट बीटेट तमाम जो शिक्षक तैयारी कर रही थी, शिक्षक अभ्यर्थी, वो सफलता की सीढ़ी प्राप्त कर ली है। कितनी कठिनाइयां आई इस दौर में और क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कैसे यहाँ तक का सफर हुआ तय, ये तमाम बातें आज हम करेंगे इन लोगों से और जानेंगे कि आखिर सफलता की सीढ़ी चढ़ने में कितनी कठिनाइयां आई, कैसा सफर रहा। सफलता तो भले ही हुई लेकिन मुश्किलें तो जरूर आई हूँ। लेकिन फिर भी इस शादी को एक साल बीत जाने के बाद हम अपने हस्बैंड से बोले ना हमको पढ़ाई करनी है, क्योंकि घर में रहकर वही खाना पीना तो हर लड़की का काम होता ही है, लेकिन कुछ अलग करना वो हर लड़की की बस की बात नहीं है और फैमिली को भी घर में शुरुआत में तो कोई राजी नहीं हुआ कि वो लड़की पढ़ाई करे, लेकिन हम अपना जीत के और मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा चलो तुम पढ़ाई करो, तो पढ़ाई करो। पटना आए एक दो महीना रहने के बाद खुद से तो पढ़ाई कर रहे थे लेकिन मेरा हर काम नहीं कर रहा था जो हम नहीं कर रहे। हम अपने हस्बैंड को बोले जो नाम तो क्लास कर दी, हम गूगल से सर्च किए तो उसका नाम किया था, उनका नाम आया तो मेरे हस्बैंड और हम आए एक दिन बात की, दो तीन क्लास लिए, सर बोले डेमो क्लास कर दीजिए आप अगर अच्छा लगे तो आइएगा। पर हम चार महीना कंटिन्यू क्लास किए यहाँ पे और जब रिजल्ट आए फैमिली भी खुश हम भी खुश, तो फिर हम यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं। किसको धन्यवाद देना चाहिए, सफलता की प्राप्त कर ली लेकिन कितनी कठिनाइयां आई, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा। एक परिवार घर से चलकर नए परिवार में शामिल होना बहुत मुश्किल होता है, कितना सफर आसान था और मुश्किल था, कैसा लगा पता? बहुत आसान भी था, यहाँ आकर सब चीज़ पढ़ाई बहुत आसानी से हो रही थी, लेकिन मुश्किल ये था कि अपने छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हुए थे, परिवार के छोड़ के कभी हम परिवार से अलग नहीं हुए थे, अपने हस्बैंड के छोड़ के फैमिली के साथ रहते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि पढ़ते पढ़ते रॉय भी आ जाता था, पढ़ते रहते थे बच्चों लोग के याद आ जाता था, रोना भी आ जाता था, रो लेते थे, फिर सोचते थे अच्छा एग्जाम के बाद तो घर जाना ही है, एग्जाम के बाद घर तो जाना है, अपने आप को इस तरह समझा के और पढ़ाई कर देते। बस हम यही चाहते थे कि भगवान मेरा लाज बचाए, जिस उम्मीद से हम यहाँ पे आए हुए हैं बस मेरा उम्मीद खड़ा उतरे अपने मेहनत से। अभी आंखें नम हो गई, वजह क्या? हाँ बहुत वजह, तो ऐसा होता था कि बच्चे मेरा जब पढ़ने बैठे रात से होता था तो जब वीडियो कॉलिंग देखते थे बच्चे की, जब देखते थे वीडियो कॉलिंग पे आंसू आ जाता कि कब गोदी में ले ले बच्चे पे। छोटा सा बच्चा, 6 साल का, 5 साल का मेरा छोटा बच्चा आया और 8 साल का मेरा बड़ा बच्चा आया और मेरा वही याद आता था कि बच्चे को हम गोदी से लपेट कर सोते थे, अपने सफलता के लिए या अपने कुछ कर दिखाने के लिए, बच्चे के आगे भविष्य उज्ज्वल के लिए। आज हम अपना भविष्य उज्ज्वल करेंगे तब तो मेरा बच्चा का भविष्य उज्ज्वल होगा, आज हम अंधकार में रहेंगे तो मेरा बच्चा भी तो अंधकार में जाएगा, यही सोच के अपने आप को समझा के और हम आगे बढ़े। 96 है पेपर 2 में और 86 है पेपर 1 में। कितना बहुत ज़्यादा योगदान, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, यहाँ तक आने दिया, पैसा भी दिया, हॉस्टल का घर दिया, छपरा से हमारे सबका सपोर्ट से मेरा तो केवल मेहनत था, लेकिन जब तक सबको सपोर्ट नहीं करता तो हम नहीं निकल पाते, हम अकेले मेहनत से। बस यही कहना चाहिए, इंसान कभी अकेले सफल नहीं होता है, सबका योगदान से ही सफल होता है। देखिए बहुत अच्छी, इंसान कभी कह सके कि हम सफल हो गए गर्व की बात है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं उसके सफलता में, इसलिए हम अकेले सफल नहीं हुए हैं, बस मेरा मेहनत है। 2-2 बजे रात तक हम लोग पढ़ते थे यहाँ, सुबह 7 बजे के आज शाम 7 बजे जाते थे, बहुत ज़्यादा लंच भी लेके आते थे। तो देखिए
सफलता की सीढ़ी अगर चढ़नी है तो मूल मंत्र है कि पूरे लोगों का, परिवार का, टीचर से लेकर घर परिवार तमाम लोगों का सहयोग होना बहुत जरूरी है। और कई ऐसी जो अभ्यर्थी थे, शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, उन्होंने सफलता की सीढ़ी चढ़नी है। कह सकते हैं कि 500 में से 423 छात्र छात्राएं ने सफलता की सीढ़ी चढ़ ली है, अब शिक्षक बन चुके हैं और अब जो है बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। सहयोगी विशाल भारद्वाज के साथ बने रहे।